सुदिशा फाउंडेशन द्वारा उपहार परियोजना का किया गया शुभारंभ। जिला प्रशासन एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से बांटे गए वस्त्र, खिलौने एवं सैनिटरी पैड्स, साथ ही बच्चों की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को स्थानीय ललपा बस्ती में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सुदिशा फाउंडेशन द्वारा प्रोजेक्ट उपहार, कपड़ा एवं खिलौना बैंक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद नागरिकों को सुदिशा फाउंडेशन द्वारा वस्त्र, खिलौने, सैनिटरी पैड्स आदि निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। साथ ही नगर निगम द्वारा कर्मकार मंडल का कार्ड, बीपीएल कार्ड, श्रम कार्ड आदि प्रदान किए गए और उनसे उनकी रोजमर्रा में आने वाली परेशानियों का विवरण लेकर शासन द्वारा उचित सहयोग प्रदान करवाए जाने का प्रयास सुदिशा फाउंडेशन के स्वयं सेवकों द्वारा किया गया। कार्यक्रम सुबह 8 बजे से ललपा बस्ती चिरहुला कॉलोनी में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सुदिशा की टीम बहुत ही लगन एवं ईमानदारी से समाज सेवा के कार्य में लगी हुई है एवं इसके प्रत्येक सदस्य सुशिक्षित एवं जागरूक हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा शासन की ओर से हर संभव सहयोग में इनको प्रदान करने का प्रयास करूंगा। इसी कड़ी में माननीय आयुक्त महोदय श्री अनिल सुचारी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सुदिशा फाउंडेशन की टीम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि महिलाओं की महामारी से संबंधित है, जिसके विषय में आज भी एक हिचकिचाहट समाज में है, जिसको दूर करना आवश्यक है। मैं फाउंडेशन के सभी सदस्यों को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर इलैया राजा टी ने अपने आशीर्वचन प्रदान करते हुए समाज सेवा के कार्य को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि युवाओं को इस कार्य में आगे आना चाहिए। टीम सुदिशा पूर्ण रूप से युवाओं की टीम है। मैं इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं तथा प्रशासन की तरफ से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन देता हूं। एसडीएम हुजूर श्री अनुराग तिवारी जी एवं भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर ए खान जी ने टीम का मनोबल बढ़ाया। रीवा व्यापारी महासंघ की ओर से श्री प्रकाश गुप्ता जी, श्री परमजीत सिंह डंग, श्री सत्यम साहू जी, श्री अमरचंद सर्राफ जी एवं श्री ज्ञान गुप्ता जी ने गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। सुदिशा फाउंडेशन से सीए सुधाकर जायसवाल, स्नेहल पांडे, पीयूष द्विवेदी, अंजलि गुप्ता, प्रमेंद्र प्रशांत आदि सदस्य मौजूद रहे। अपील, सुदिशा फाउंडेशन सभी नगरवासियों से अनुरोध करती है कि इस परियोजना में हर संभव मदद करने का प्रयास करें। आपकी अनुपयोगी वस्तु किसी की खुशी का कारण बन सकती है। रीवा से बिरोची शुभम प्रसाद कुशवाहा की रिपोर्ट। मैं और आपके ये क्या बोलते हैं फाउंडेशन कब से संचालित है? मेरा नाम निशा जायसवाल है और ये फाउंडेशन पिछले 6 महीने से कंटिन्यूस वर्क कर रहा है सैनिटरी पैड और मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के बारे में। क्या उद्देश्य है इसके? जी, हमारा उद्देश्य तो स्टार्टिंग में हमारा उद्देश्य मेंस्ट्रुअल हाइजीन था, लेकिन कलेक्टर से जैसा आपने कलेक्टर सर ने बताया उपहार प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमारे इस फाउंडेशन में उपहार प्रोजेक्ट भी एड हो चुका है जिसमें खिलौना और कपड़े वितरण होते हैं। ये एनजीओ का उपहार प्रोजेक्ट है या आपके कलेक्टर साहब का है? ये जिला प्रशासन के द्वारा उपहार प्रोजेक्ट दिया गया है जो की सुदिशा फाउंडेशन संचालित हम क्या पुराने ही कपड़े को पुराने जैसे घर पे अनयूज कपड़े रहते हैं ना पुराने, उन्हें हम रिक्वेस्ट करके लोगों से मांगते हैं और उन्हें धुलते हैं, प्रेस करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। सही बहुत से ऐसे एनजीओ हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, आपका क्या कहना है? जी, सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सबके सहयोग से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। बांटे गए और कपड़ा बांटा गया है बस्तियों में, उनको स्वास्थ्य शिविर की आवश्यकता है, तो ऐसे में क्या मेघावी छात्रों का सम्मान किया गया है? ये कितने वर्षों से जारी है आपका? ये 20 वर्ष हो गए मेघावी छात्रों का कार्यक्रम चल रहा है। हर वर्ष जो बच्चे होशियार हैं उनके सबसे ज्यादा अपने क्लास में मार्कशीट सबसे अधिक है, उसके मानदंड है 90% 90%, उनको आज पुरस्कृत करते हैं और सम्मान करते हैं। उत्साह रहे, उत्साह बना रहे, आगे उसकी शिक्षा क्षेत्र में रुचि हो और आगे उसके देश प्रदेश समाज की सेवा करें, देश को तरक्की के रास्ते से ले जाए, उसे समाज की भी देश को मजबूत बनाने भागीदारी है, ये हमारा लक्ष्य है। लोगों को आज उपहार बांटा गया है, कपड़ा खिलौना है। सुदिशा फाउंडेशन के द्वारा एक बहुत ही रचनात्मक कार्य की शुरुआत हुई है। जिला प्रशासन के हमारे जो कलेक्टर हैं उन्होंने सुदिशा फाउंडेशन के साथ मिलकर योजना बनाई और ऐसे तमाम जो हमारी बस्तियां हैं जहां ज़्यादातर गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, वहां पर उनको कपड़े और खिलौने बच्चों को समाज से इकट्ठे करके
और उसको ठीक ठाक करके कपड़े इकट्ठे करते हैं, उसको ड्राई क्लीन करते हैं, यदि जरूरत पड़ती है तो उसमें सिलाई उलाई करके बिल्कुल उसको नया बना देते हैं और फिर गरीब परिवार के माताओं बहनों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम अभी हमने देखा। इसी प्रकार से खिलौने इकट्ठे करके खिलौने बच्चों को दिया गया, सैनिटरी पैड इनका बेसिक जो ऑब्जेक्ट है सुदिशा फाउंडेशन का कि गरीब समाज की जो माताएं बहनें हैं उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए महावारी और इस प्रकार के समय में सैनिटरी पैड का वो उपयोग करें इसके लिए उनको सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, ये काम को लेकर आज यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। इसी प्रकार से पूरे शहर के सभी गरीब बस्तियों में जाके हर संडे को ये कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला जिला प्रशासन ने सुदिशा फाउंडेशन के साथ मिलकर जो लिया है ये निश्चित रूप से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में निर्माणाधीन बिल्डिंगें जो रहती हैं उनमें स्लम मजदूर वहीं रहते हैं, उनके बच्चे परिवार पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं और खिलौनों से भी वंचित रह जाएंगे, इसके लिए क्या ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है इससे अभी इस प्रकार की शिकायतें दूर हो जाएंगी।